पाथरी में आदिवासी बांधवों के साथ अन्य समाज के लोगों ने राजूरा के आदिवासी छात्रावास में हुई शर्मनाक कृत्य करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर एक आक्रोश मोर्चा निकाला। राजूरा के आदिवासी छात्रावास में हुए अनैतिक कृत्य की हर तरफ आलोचना की जा रही है। इसमें शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस मामले में सीआईडी जांच होना चाहिए, साथ में आरोपियों को फांसी दे और इन मासूम छात्राओं के परिवार को न्याय देकर उनका पुनर्वसन करे, ऐसी मांग पाथरी के सभी आदिवासी बांधव एवं अन्य जाति धर्म के लोगों ने किया है। और इस संबंध में आज रविवार को पाथरी वासियों द्वारा एक मोर्चे का आयोजन पाथरी पुलिस स्टेशन पर किया गया। राजूरा की घटना के निषेध स्वरूप ये मोर्चे का आयोजन किया गया था। ये मोर्चा त्रिमूर्ति चौक से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पाथरी के आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज बांधव की उपस्थिति थी, जिसमें सैकड़ों आदिवासी बांधव के साथ सरपंच राजेश सिन्नम, पंचायत समिति उपसभापति तुकाराम ठिकरे, तंटा मुक्ति अध्यक्ष प्रभु तुम्बे, आदिवासी समाज के नेता अनिल मड़ावी, श्रमिक एल्गार संगठना की अध्यक्षा पारोमिता गोस्वामी के साथ में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। इस दौरान पाथरी की दुकानें बंद थी, पुलिस विभाग का कड़ा बंदोबस्त था। सीटीवी न्यूज के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट। वर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास फाशीची शिक्षा ही झालीच पाहिजे, त्यांना कसोरती कुटावर ही शिक्षा झाली पाहिजे। मी सर्व महिला आणि सर्व आपल्या पाथरीवासीय सर्व महिला पुरुषांतर्फे अशी विनंती करते की त्या नराधमास फाशी ही झालीच पाहिजे अशी मी निषेध करते। आदिवासीय संपूर्ण जनतेच्या वतीने, सगळा आदिवासी बांधव यांच्या वतीने, जो राजूरा येथील जो निंदनीय प्रकार घडला इन्फंट जजेस पब्लिक स्कूलमध्ये अल्पवयीन मुलींवर जो अत्याचार झाला, त्या अत्याचाराच्या निषेधात या ठिकाणी संपूर्ण पाथरीच्या वासियाच्या वतीने एक मोर्चा काढून निषेध नोंदवण्यात आला। आणि या निषेध मोर्चाच्या मागण्या ज्या होत्या की इन्फंट जजेस स्कूलची मान्यता काढून शासनाने पूर्णतः ती आपल्या ताब्यात घ्यावी, परत ज्या अत्याचार पीडित मुली आहेत त्या संपूर्ण मुलींचं शासनाने पूर्णपणे संपूर्ण त्यांचं पुनर्वसन करावं आणि त्या मुलींना न्याय मिळवून द्यावा, या प्रमुख मागण्या घेऊन आम्ही या ठिकाणी पाथरीवासीय सर्व समाजबांधव एकवटलो आणि सगळ्यांनी या मोर्चाला सहकार्य केलं। सगळ्यांनी या ठिकाणी अतिशय तीव्र शब्दामध्ये सदर घटनेचा निषेध करून ही घटना घडवणारा जे काही नराधम आहे त्या नराधमांना सर्वात कठोरात कठोर कारवाई, फाशीपेक्षाही जरी काही कठोर कारवाई जर असेल।